अनरियल इंजन गेमिंग इंडस्ट्री को बदलने वाला है और इस क्लिप को देखकर आपको ये समझ आ भी गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ अनरियल इंजन 5 की, यानी कि द फिफ्थ वर्जन ऑफ अनरियल इंजन। अनरियल इंजन 5 के अंदर काफी न्यू टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है, जिससे कि डेवलपर्स काफी सारे विजुअली स्टनिंग गेम्स को बना सकते हैं। अनरियल इंजन 5 का सबसे ज्यादा नोटेबल फीचर है नाइनाइट, जो कि एक नया सिस्टम है जो कि हाई क्वालिटी जियोमेट्रिक डिटेल्स को रियल टाइम के अंदर रेंडर सकता है। जहां पर पहले ये काम ट्रेडिशनल तरीके से होता था और किसी गेम के ज्योमेट्रिक डिटेल्स को लिमिट कर दिया जाता था, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिटेल्स वेरी करती हैं कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है और कितना लोड वो झेल सकती है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नाइनाइट हाई क्वालिटी ज्योमेट्रिक डिटेल्स के एसेट्स को रियल टाइम में रेंडर कर सकता है। अनरियल इंजन 5 के अंदर एक और काफी कमाल का फीचर है जिसका नाम है ल्यूमन, जो कि लाइटिंग से रिलेटेड है। ल्यूमन एक नया ग्लोबल इल्यूमिनेशन सिस्टम है जिसके अंदर रियलिस्टिक लाइटिंग और शेडोज को रियल टाइम के अंदर सिमुलेट किया जा सकता है, जिससे कि गेम में डायनामिक लाइटिंग सिनेरियोस डाले जा सकते हैं और गेम और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जा सकता है। अनरियल इंजन के अंदर ऐसे ही एक और फीचर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मेटा ह्यूमन क्रिएटर, जिसकी मदद से डेवलपर्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक मेटा ह्यूमंस या फिर डिजिटल ह्यूमंस को क्रिएट कर सकते हैं। अनरियल इंजन 5 के अंदर डिजिटल ह्यूमंस की ऐसी डिटेल्स हाइपर रियलिस्टिक हैं। अनरियल इंजन 5 की बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं है कि गेमिंग इंडस्ट्री जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि अब गेम डेवलपमेंट काफी आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कि हाइपर रियलिस्टिक गेम बनाना तो चाहते हैं बट उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं। हालांकि अनरियल इंजन 5 अब भी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस डिमांडिंग है, बट इसके अंदर काफी सारे एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया गया है, जैसे कि पहले से ही किसी गेम इंजन के अंदर नाइनाइट, ल्यूमन और मेटा ह्यूमन क्रिएटर जैसे फीचर्स का होना गेम डेवलपमेंट को काफी ज्यादा इजी बना देता है। अब थोड़ा जान लेते हैं अनरियल इंजन की स्टोरी के बारे में। 1998 में एपिक गेम्स ने अनरियल इंजन को सबसे पहले बनाया था। इसके अंदर काफी सारे अपडेट्स होते रहते हैं और काफी सारे चेंजेस भी आते रहते हैं, जिसके लिए काफी सारे वर्जन भी रिलीज होते रहते हैं। अनरियल इंजन का सबसे लेटेस्ट वर्जन अनरियल इंजन 5.1.1 है और जल्द ही अनरियल इंजन 5.2 भी रिलीज हो जाएगा, जो कि और भी ज्यादा एडवांस्ड है। अनरियल इंजन 1998 में सबसे पहले अनरियल नाम के गेम के लिए ही बनाया गया था। अनरियल इंजन C++ लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और ये काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। अनरियल इंजन डेवलपर्स के लिए एक रॉयल्टी बेस्ड मॉडल पर काम करता है, यानी कि अगर किसी डेवलपर का गेम $1 million इन ग्रोस रेवेन्यू को क्रॉस करता है तो अनरियल इंजन EULA उस डेवलपर से 5% इन रॉयल्टी चार्ज करती है। और अगर कोई डेवलपर अपना गेम जो कि अनरियल इंजन पर बेस्ड है उसे एपिक गेम्स पर पब्लिश करता है तो उसे एपिक गेम्स की तरफ से काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फोर्टनाइट, बायोशॉक इन्फाइनाइट, गियर्स ऑफ वॉर, ये सारे गेम्स अनरियल इंजन पर ही बने हैं। अनरियल इंजन फ्री है और इसे कोई भी डाउनलोड करके अपना गेम बना सकता है, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है, क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन।